हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता, वो भी एक चम्मच तेल में, जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब आपका मन हो आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ लाइट वेट भी है, तो आप इसे दिल खोल के खा लीजिए, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और हेल्दी है क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है आलू, जो मेरा एक मीडियम साइज का आलू था, जिसको मैंने बॉइल करके अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आलू को ठंडा करके लेना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो मेरा जो आलू था वो थोड़ा सा बड़ा आलू था। अगर आपका आलू छोटा है तो आपको दो आलू लग जाएंगे। वेट में ये 10 ग्राम है, और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इस तरह से करना, नहीं तो इसका रिजल्ट खराब आएगा। जितना आलू ठंडा होगा उतना ही बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये, जिसको हमने बोला है स्वीट कॉर्न, यानी बोलते हैं यानी ये भुट्टे के दाने, और इसको हम 2 से 3 चम्मच लिए हैं, जिसको हमने बॉईल करके लिया है। ऐसे मत लेना, क्योंकि ऐसे लोगे तो हार्ड हो जाएगा और आप इसे बना नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 50% तक बॉईल किया, ये देखिए इस तरह से। और इसको डालने से लुक बहुत प्यारा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इसके बिना ही बना सकते। अगर हो तो डालना, ना हो तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो फ्रेंड, एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, जिसको मैंने अच्छे से इस तरह से मोटा मोटा कट किया है। अगर आपकी बड़ी प्याज है तो आपको सिर्फ आधी प्याज डालनी है, बहुत ज्यादा प्याज मत डालना, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा पानी होता है प्याज में। इसीलिए हमें सिर्फ एक छोटी डालनी है, मीडियम साइज की। अगर बड़ी है तो आधी ही डालनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक शिमला मिर्च, जिसको हमने मोटा मोटा जैसे प्याज को कट किया था उसी तरीके से कट किया है। अब इसमें हम 3 चम्मच डालेंगे गाजर, जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। और इसे हम डाल देंगे इस तरह से ग्रेट करके। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब इसमें हम 1/4 हिस्सा नींबू का लेंगे और इस तरह से निचोड़ देंगे। 2 से 3 बूंद नींबू का रस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है आपको बताते हैं। तो 1/2 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो किसी भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच, जो मेरा होममेड है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगी। तो ये गई हमारी हींग। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, ताकि ये चटपटा बने। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना नमक आप लोग खाते हो। तो ये देखिए 1/2 चम्मच नमक डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच गरम ऑयल, जो हल्का सा गरम होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम नहीं। सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि हमें गाजर के लच्छों को तोड़ना नहीं है, इससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो देखिए कितना प्यारा लुक आ चुका है, सारे मसाले अच्छे से लग गए हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए, फिर इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, और तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे और छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नारियल, जो हमारा 2 चम्मच नारियल है, इस तरह से। ये हमारा ताजा वाला नारियल है। अगर आपके पास ताजा वाला ना हो तो आप ये जो सूखा वाला नारियल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भिगोकर इस्तेमाल करना, ऐसे मत इस्तेमाल करना। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, जो 2 है, तो काफी तीखी वाली है। अगर आपकी तीखी वाली ना हो 3 से 4 डाल देना। फिर इसके बाद हम इसमें 1.5 इंच का अदरक डालेंगे, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ऊपर के स्किन या छिलके को निकाल कर इस तरह से ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच कच्ची मूंगफली, जो हमें कच्ची डालनी है, भूनना नहीं है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे बस। तो 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालेगा, और अब इसको हम कवर कर देंगे, और मिक्सी को हमें सिर्फ 1 बार चलाकर रोक देना है, इसे दरदरा पीसना है। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, इस तरह से हमको ये चाहिए। देखिए नारियल में पानी होता है, हरी मिर्च में पानी होता है, और आप चाहे तो इसमें गार्लिक यानी लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया। अगर आप खाते हो तो जरूर ऐड कर लेना, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हमें तुरंत का तुरंत इसके अंदर ऐड करना है। इसको डालने से जो खुशबू आएगी, जो टेस्ट आएगा, उसे जब आप बनाकर खाएंगे तभी मुझे कहेंगे वाह भाई वाह, कैसी रेसिपी आपने बताई है, बहुत ज्यादा
इसका लुक भी प्यारा आ जाएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो सारा का सारा हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बनाया था। यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर आप पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल पिस जाएगा और पिसा हुआ नहीं चाहिए हमें। हमें किस तरह से चाहिए आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से दरदरा चाहिए, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स आने चाहिए नारियल के मुंह में, तो मजा आ जाएगा खा के। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जिसको हम अच्छे से वॉश करके फैन के नीचे सुखा के फिर कट करके डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। तो ये गया हमारा 3 से 4 चम्मच हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है यानी पानी नहीं है, और इसको डाल के हम वापस से मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज्यादा लगे तो इसी टाइम ऐड कर लेना, क्योंकि नाश्ता जब हम बनाने लगेंगे तो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस समय मैं टेस्ट कर लेती हूँ और मैं देखती हूँ इसमें क्या कम है। तो सारी चीजें परफेक्ट है, बढ़िया तरीके से मसालेदार चटपटा ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो ये गया हमारा 1 बड़ा कप भर के गेहूं का आटा, जिसको मैंने छान के लिया है। अगर वेट में बताऊं तो ये 100 ग्राम होगा, नाप में 1 बड़ा कप है। अगर आपकी कटोरी छोटी है तो आप इसमें 2 कटोरी ऐड करना। अब इसको हम बिना पानी डाले इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी पड़ी है जिसमें कुदरत की तरफ से ही पानी होता है, जैसे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, इन सब में अपना खुद का पानी होता है। उसी पानी से हम इसको अच्छे से आटे के फॉर्म में गोंद लेंगे, बढ़िया तरीके से मसलते हुए। तो चलिए गूंथते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से इसका आटा मैंने लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इस पे ऑयल डाल दूंगी ताकि ये चिकना हो जाए ऊपर से। तो 1 चम्मच ऑयल डाल के इस तरह से हमें इसको करके 2 से 3 मिनट का टाइम देना है, ताकि सारी चीजें अच्छे से आटे में मिल जाए। फिर फटाफट हम इसको बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे आपको बताते, तो चलिए 2 से 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से देखिए फूल चुका है, सारी चीजें मिल गई हैं। अब इसको आपको चाहे तो फ्रिज में इस तरह से लगा भी सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल के मिश्रण फटाफट नाश्ता बना लीजिए। लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी नमक नहीं ऐड करना होगा, अगर आप स्टोर करने के लिए इस तरह से डो बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी हथेलियों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं, बिल्कुल नाममात्र का। और इसका हम इस तरह से नींबू के आकार से बड़ा पेड़ा लेंगे, और इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे हाथों से बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप बटर पेपर पे भी इसे रख के शेप दे सकते हैं। तो इसे हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है। तो इस तरह से फिंगर की सहायता से आप इसे शेप दे लीजिए, जो चाहिए वो शेप दे लीजिए। तो मैं इसे इस तरह से बनाऊंगी, देखिए बिल्कुल बराबर से अच्छे से मैंने इसको इक्वल हर तरफ से मोटा और पतला नहीं रखा है, बराबर रखा है। अब ये देखिए तेल लगाने की वजह से कितने अच्छे से छोड़ रहा है। अब चलते हैं गैस की तरफ और बना के दिखाते हैं आपको। बहुत ही कम तेल में काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, और लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे अगर आप मेरी टिप को देखकर इसे बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रखा है, आप चाहे तो कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थोड़ा सा भारी लेना। अब इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगा देंगे ब्रश की सहायता से, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश ना हो तो। तो इस तरह से हमें ब्रश लगा के पैन को बिल्कुल अच्छे से हीट करना है। जब तक हमारा पैन गर्म नहीं होगा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नाश्ता था जिसको हमने तैयार करके रखा था, इस तरह से उसको हम लास्ट बार इस तरह से हथेलियों पे रख के शेप देंगे। और जब हमारा पैन अच्छे से गर्म होगा तो हम इसे इस तरह से रख देंगे। अब धीमी धीमी आंच पर हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम इस तरह से लेके पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से सिक गया है, और इस तरह से हमें चम्मच की सहायता से इसे हर तरफ से दबाना है ताकि ये इक्वल तरीके से पक जाए। तो इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए रेडी हो चुका है, कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसे आपको दूसरे तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आप इसको बहुत ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा चाहते हैं तो कैसे बनाना है वो भी आपको बता देते हैं हम। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, बहुत ज्यादा तेल नहीं लेना है, बहुत ज्यादा भर के तेल नहीं लेना है। और इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है, जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इस तरह से हम डाल देंगे और इसको धीमी धीमी आँच पर पकने देंगे। जितनी धीमी आँच में ये पकेगा उतना ही बढ़िया टेस्टी बनेगा। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर बनाना है, और आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया है। अब इसको हम टर्न कर देंगे।
और दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा, देखिए एक साइड से भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए कुक कर लेते हैं इसे। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कम ऑयल में। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं सलो फ्राई कर रही हूँ, और कम तेल में भी बना सकते हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि तुम कम तेल में कैसे बनाना है। तो कम तेल वाला इस तरीके से होगा और इसे जब आप बनाएंगे तो इसका अलग लुक आएगा। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गया है, ये रेडी हो चुका है, देख लीजिए आप लोग करीब से कितना ज़्यादा बढ़िया आलीशान सा बन चुका है ये। तो चलिए अब हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है, क्रिस्पी है, कुरकुरा है, और दूसरी बात कम तेल में तैयार किया हुआ है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं वो भी घर की चीज़ों से। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और ये वाला बहुत ही कम तेल में है जिसको मैंने ब्रश से लगा के बनाया है, और ये देखिए ये भी क्रिस्पी है, ऐसा नहीं कि क्रिस्पी नहीं है, लेकिन ये जो हमने हल्का सा तेल थोड़ा सा डाल के बनाया है ये सुपर क्रिस्पी है। तो आप जिस तरीके से खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है ये ग्रीन वाली चटनी के साथ, जो हमारी पुदीना, आम और थोड़ी सी इमली डालकर बनाई है, और अंदर से देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना बढ़िया फ्लफी बना है, और इस चटनी के साथ ओए होए क्या कहने। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और इस चटनी को जो मैंने बनाया है इसको मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है क्योंकि हल्की चटनी होगी तो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर जाएगी, अगर गाढ़ी चटनी बनाते हैं तो इसके अंदर जाती नहीं। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ खाएंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म है, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।